नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिका ठाकुर। चाय नगरी पालमपुर से ये खास लाइव आपके लिए ग्राउंड जीरो से लेकर आए हैं, जहां पर ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। लगातार पिछले दो दिनों से जो है वो बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली धीमी बारिश ये जो हो रही है इसने ठंड को तो बढ़ा ही दिया है। इसी के साथ यहाँ पर जो है कोरोना ने भी अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया है। जिला कांगड़ा की अगर हम बात करें तो 104 कोरोना के बीते कल मामले आए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तो करीब 327 एक्टिव केसेस जिला कांगड़ा में कोरोना के हो चुके हैं और कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है क्योंकि हम लोगों के एहतियात जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो ये लाइव रिपोर्ट आपको खास तौर पर बारिश के लिए मैं दिखा रही थी और किस तरह का नज़ारा है बारिश के बाद। सुंदर पालमपुर अपने आप में है, लेकिन सुंदरता बारिश के बाद और ज़्यादा निखर के आती है। लेकिन ये जो सड़कें हमेशा भरी रहती हैं लोगों से, इन सड़कों पर भी लोगों की संख्या कम नज़र आती है क्योंकि लोग ठंड में परहेज करते हैं कि घर से ना निकले। तो ये लाइव स्ट्रीम आपके साथ पालमपुर से साझा कर रही हूँ। मैं हूँ शालिका ठाकुर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मीना अंकल। आप कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ से इस वक्त लाइव टाइम्स टीवी की इस लाइव स्ट्रीम को आप देख रहे हैं, वो आप हमारे साथ जरूर साझा करें और जरूर बताएं कि कौन सी जगह से आप संबंध रखते हैं और वहां पर बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, किस तरह के हालात बने हुए हैं, धूप निकली है। अगर मैं बात करूं मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो चेतावनी हिमाचल प्रदेश के लिए दी गई है, तो इस पूरे के पूरे हफ्ते में मौसम कुछ इसी तरह का रहने वाला है और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, हिमपात हो रहा है और जो भी टूरिस्ट हैं, जो भी सैलानी हैं बाहरी राज्यों से हिमाचल का रुख कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वेदर फोरकास्ट पढ़कर आएं, सुनकर आएं, खबरें देखकर आएं, क्या कुछ जो है वो मौसम विभाग की चेतावनियां हैं, मौसम किस तरह का रहेगा, ये तमाम जानकारियां जुटाकर आएं। ऐसा ना हो आप स्नोफॉल देखने के लिए कहीं जाएं और वहीं फंस कर रह जाएं और फिर आपका रेस्क्यू करने के लिए पुलिस प्रशासन को आना पड़े, क्योंकि ऐसा हो रहा है। बीते कल भी मंडी के प्राशर में कुछ लोग जो थे वो घूमने गए थे, हैवी स्नोफॉल की वजह से वहां पर फंस गए, उसके बाद रेस्क्यू के करके जो है उन्हें वहां से निकाला गया है। तो एहतियात जरूर बरते, मौज मस्ती अपनी जगह है, परिवार के साथ एंजॉयमेंट अपनी जगह है, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा करना, अपने आप को खतरे में न डालना, ये आपके हाथों में है। तो कहां से आप संबंध रख रहे हैं और कहां से आप इस वक्त इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। ये लाइव स्ट्रीम आपको चाय नगरी पालमपुर से हम दिखा रहे हैं किस तरह का यहां पर माहौल बना हुआ है और कोरोना को लेकर आज बंदिशें भी सरकार की तरफ से लगने वाली हैं। अलग अलग राज्यों की तरफ से अलग अलग एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इसी बीच हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ नई बंदिशें होंगी, हालांकि कुछ जिलों में बंदिशों की अनाउंसमेंट हो भी गई है, लेकिन बंदिशें जो हैं वो अभी ज़रूरी भी हो गई हैं। बंदिशों को लेकर क्या कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप ज़रूर साझा कीजिएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सरकार को बंदिशें लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए आउट ऑफ कंट्रोल एक बार ये अगर फिर से कोरोना हो गया तो फिर से हमें वही दिन देखने पड़ेंगे घरों के अंदर कैद होकर, और बहुत से लोगों के व्यवसाय छूट गए थे, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की जो ट्रेन है वो पटरी पर आई है। तो ऐसा ना करें हम, क्योंकि एहतियात तो हमें ही बरतने हैं और आप लोग खुद समझदार हैं, क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है ये आपको खुद देखना है। हालांकि बात कर रहे हैं मौसम की, तो मौसम की ही चर्चा करेंगे। संडे तक, एतवार तक जो है मौसम इसी तरह का बताया जा रहा है, यानी कि बीच में बारिश थोड़ी देर के लिए रुकेगी और उसके बाद फिर से जो है वो बारिश शुरू हो जाएगी। इससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है और ठंड में बढ़ोतरी होने के कारण ऐसी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी जो अमूमन देखी जाती हैं, वो है सर्दी, जुकाम और खांसी। और सर्दी, जुकाम और खांसी कोरोना के मुख्य लक्षण, प्रमुख लक्षणों में से एक है। तो इस बीच बहुत ज़रूरी है कि अपना ध्यान रखें, ना कोरोना की चपेट में आए, ना इन बीमारियों की चपेट में आए। तो ये आपके लिए लाइव कवरेज हम लेकर आए थे कि आपको पालमपुर चाय नगरी के क्या कुछ इस वक्त हालात हैं, किस तरह से बारिश होने के बाद खिलखिला उठी है चाय नगरी। और ये सामने धुंध के कारण आप देख नहीं पा रहे हैं, धौलाधार रेंज जो है वो बिल्कुल धुंध में छिपी हुई आपको नजर आ रही है। ये आपको जो जूम करके हम दिखा रहे हैं ये है धौलाधार रेंज, और जैसे ही ये बारिश रुकेगी, बादल छटेंगे, तो यहाँ पर जो ताज़ा हिमपात हो रहा है ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में वो भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीना अंकल, लाइव टाइम्स टीवी।